वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम फाइंड करेंगे परसेंटेज जब डेसिमल पॉइंट दिया होता है। राइट नाउ ऑन द बोर्ड देयर आर सिक्स क्वेश्चंस। फर्स्ट थ्री वी विल सॉल्व इन दिस वीडियो एंड द रिमेनिंग थ्री वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो। सी बेटा, परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना रहता है 100 के साथ। तो आपका पहला स्टेप तो सबसे कॉमन है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। सो नाउ टेक अ न्यू पेज, दैट इज आफ्टर सॉल्विंग ऑल द 8 सम आप एक नया पेज लोगे। इन द मार्जिन राइट नंबर 1 एंड आउटसाइड द मार्जिन 1.2। देन ऑन द नेक्स्ट लाइन विदाउट लीविंग अ लाइन, ऑन द नेक्स्ट लाइन यू विल पुट देयरफॉर साइन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर बेटा याद करो डेसिमल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने को जब मैंने आपको सिखाया था, मैंने एक ही बात कही थी, आप खाली मल्टीप्लाई करो, डेसिमल पॉइंट को फाइनल आंसर में हम लगाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो डोंट लुक एट दिस पॉइंट 1.2 एक बार के लिए भूल जाओ, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो, ये है 12, पॉइंट दिख रहा ही नहीं आपने को टाइम बीइंग के लिए। तो ये क्या है बेटा हमारे लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव मी आंसर 12, करेक्ट। एंड हाउ मेनी जीरोस वी हैव लेफ्ट, अब हम कितने जीरोस ऊपर छोड़कर आ गए, 1 and 2, करेक्ट। और अब देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर हैं, ओनली 1 नंबर राइट नाउ, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। सो इन द फाइनल आंसर फ्रॉम द राइट हैंड साइड स्किप अ नंबर एंड अप्लाई अ डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के बाद का जो एंडिंग नंबर होता है ना बेटा, अगर वो जीरो है तो ये नहीं लिखा जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज 120%। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरे स्टेप में आप भूल जाओ कोई पॉइंट है कुछ है, खाली नंबर को देखो, तो नंबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 एंड 2 जीरोस ब्रॉट डाउन। और फिर फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स या नंबर हैं, उतने ही डिजिट्स या नंबर राइट साइड से स्किप करके लगाना है डेसिमल पॉइंट, क्लियर। और फिर क्योंकि डेसिमल पॉइंट का एंड किससे हो रहा है, जीरो से, तो वो नहीं लिखा जाएगा एंड द ओनली आंसर इज 120। इन शॉर्ट 4 लाइन में आपका सम आ जाएगा। नाउ लीव अ लाइन एंड कॉपी द 10th सम। 10th सम का क्वेश्चन है 0.12 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स अ परसेंटेज। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे 0.12, परसेंटेज फाइंड करना है इसीलिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। और मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लाई करते समय हमें पॉइंट देखना ही नहीं है, दिखता ही नहीं है हमको पॉइंट, तो हमें क्या दिख रहा है 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1। सो आंसर आ जाएगा 0.12, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 0.12 एंड कितने जीरो 100 के ऊपर छूट गए हमसे, 2, सो आई विल ब्रिंग दोस 2 जीरोस डाउन, क्लियर। अब क्वेश्चन में जाओ, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में कितने नंबर या डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, 2, 1 और 2, तो टोटल कितने डिजिट्स है 2, तो फाइनल आंसर में राइट साइड से 2 डिजिट्स को स्किप करके वी विल पुट डेसिमल पॉइंट। और याद रखना बेटा कभी भी स्टार्टिंग जीरो से नहीं होता और डेसिमल पॉइंट का एंड में बोथ द नंबर्स आर जीरो, सो द ओनली आंसर विल बी 12%।
क्लियर। स्टार्टिंग का जीरो लिखा नहीं जाता और डेसिमल पॉइंट के एंड में सभी क्या है, जीरो जीरो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो द ओनली आंसर इज 12%। आपका ये चार लाइन में आ जाएगा। देन लीव अ लाइन एंड कॉपी द थर्ड क्वेश्चन बिलो दिस। आई विल राइट ऑन द राइट हैंड साइड बट यू हैव टू कॉपी जस्ट बिलो दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.02। सो सबसे पहले तो परसेंटेज फाइंड करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो आई विल राइट हियर 1.02 मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लाई करते समय आपको पॉइंट नहीं देखना है, तो जस्ट डोंट लुक एट पॉइंट। ये आपको कैसा दिखता है, 102 मल्टीप्लाई बाय 1। सो राइट 102, यस और नो? 102 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको आंसर क्या देगा, 102। और 100 के दो जीरो ऊपर छूट गए थे हमसे, जस्ट ब्रिंग देम डाउन। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, एक है 0 और एक है 2। सो यू विल लीव 2 नंबर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 0 0 गया एंड वी विल अप्लाई द डेसिमल पॉइंट। ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट के बाद के दोनों नंबर क्या है, 0। और मैंने आपको अभी समझाया, पॉइंट के बाद अगर सभी नंबर 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 102%। क्लियर। ये तीनों सम बेटा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएंगे। नाउ ड्रॉ अ लाइन एंड द रिमेनिंग 3 इन द नेक्स्ट वीडियो और उसी पेज के राइट हैंड साइड पे आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।